बस अजी जो नहीं होना सी वो हो गया। 10 किले जरी पिंड जमीन है वो कुड़ी का नाम लाओ, 10 लाख हक मैर, 80,000 रुपया लाग वो दियो, ठीक है फिर असी राजी नहीं तेने असी फिर करने फोन फोन सी नाल पहले फोन तो ब्याह शादी गल ना करन, छोटे से छोटा गिफ्ट 5,000 तक वाला के मैं गरीब हूं। हम आवाज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आवाज के साथ मैं हूं नुमान मलिक। व्यूअर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं हावर्ड जट साहब। इनकी जिंदगी में एक ऐसा अनोखा वाकया पेश आया जिसने इसको सिंगर बनने पर मजबूर कर दिया। आइए इनसे पूछते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या वाकया पेश आया जिसने इनको एक गायक बना दिया। मतलब के तीन साल पहले गल पहले अरेंज मैरिज हुई है। नहीं है कुड़ी ना चक्कर दा देना। हाँ जी कुड़ी ना चक्कर है। मैं कुछ और समझ आया ना, शायद कोई कमेटी नहीं था ली। कमेटी वाली कोई गल, कमेटी वाली निकल गई। मतलब ये सीन बनाया 3 साल पहले मेरे मंगनी हुई है। अच्छा, मंगनी हुई उस बाद फोन रात जो आजकल कितने मंगनी सके मामू फूफो दे घर सके मामे घर। हाँ जी मामे घर हुई है मेरी मंगनी हुई है वाल साहब घर के घर। वाल साहब हो गए फोत ते उस बाद मतलब के मैं उन्हें मैनू अपने जाल जो पसा मैं फस गया। इस तरह फिर चलते चलते मैं हफ्ते च 2 चक्कर लाजमी लाने। 2 चक्कर उन्होंने घर आंदे जाने। हाँ जी आंदे जाने। खाली हाथ नहीं तुसी जांदे होगे। खाली हाथ नहीं जदों भी गया कोई ना कोई शहर आएगी। हफ्ते का 5,000 दा नोट लगदा सी। हाँ मस्त लग जांदा सी। अच्छा ठीक है जी। उस तों बाद की होया? उस तों बाद फिर यानी कि इस तरह मेरे घर तों मैं चोरी जांदा सी लेकिन उन्होंने घर दे सारों पता सी। अच्छा तुहाडे ओह ले सन ओह मेरे नाल तुहाडे नाल ले सन मिले होए सन। मतलब ओह अगर मैं उधर जांदे सी मेरे घर दे शिकायत नहीं लैंदे कि अज आया इधर। अच्छा ठीक है ठीक है। इस तरह यानी कि चलता रहा 3 साल पूरा। मैं हफ्ते 2 चक्कर जाना कोई ना कोई चीज वालदा उनके वास्ते या उनके वास्ते उन्हें लाजमी लग जाना। अच्छा ठीक है। छोटे से छोटा गिफ्ट 5,000 तक वाले लेके गए। मैं गरीब हूं। ओए होए तो बड़े तो 1,00,000 रुपए वाले सोने दी रिंग ऐसी मैं सब तो बड़ा गिफ्ट देता सी। मोबाइल तो बाद देते होने मोबाइल पर। अच्छा बैलेंस ही बड़े कराए होने दो तो जाहिर करा जो तो गल करनी बैलेंस होने कर्जा ही नहीं हो जाएगा यहां पे कर्जा ही नहीं है लेकिन अलहमदुलिल्लाह मेरा अपना ऐसे काम तो उन्हें भाई तू कर्जा ही उन्हें हो नहीं देता। नहीं तो तुसी कसर कोई नहीं छड़ी। कसर कोई नहीं छड़ी मैं घर डोबन तो कसर कोई नहीं छड़ी सी। अच्छा ठीक है। हाँ जी। नहीं तो ऐसी कोई चीज सी जी तुसी वेखे कुछ नहीं पैसे लुटाई गए कहने मोहब्बत अन्नी होंगी है। नहीं वो मैं अन्ना हो गया इन्नी भी नहीं होंगी। नहीं सर जिन्हों होया मैंने उन्हें पूछ के देखना कि उन्हें खामियां भी नजर ही नहीं आंदी। तो गल ठीक। अच्छा फिर क्यों है जी? फिर ऐसे 3 साल से सिलसिला चलता रहा मेरे घर दिनों ने उन्होंने मेरे घर दिनों कोई काम कहना उन्होंने मैंने कहना कि पैसे सेंड कर। ओहो हो हो सही ठीक है। यानी कि तुम अपने घर मतलब कि पैसे उन्होंने देने उन्होंने अगो तुहाडे घर वालों नूं गिफ्ट देना और टेक्निकली तुहाडे पैसे ही सन। सारे टेक्निकली मेरे पैसे। मतलब एक दफा इस तरह होया कि मेरी भाभी फोत हो गई। ओहो सही। भाभी फोत हो गई तो उन्होंने फोन किया मैं तुम आओ उन्होंने कहा साढ़े को नहीं साढ़े को पैसे नहीं आते। अच्छा मैं स्पैशल गया इतों फिर उन्होंने पैसे दे के उन्होंने जो उन्होंने चीज लैके आनी सी फ्रूट वगैरह वो भी मैं पैसे दे के आया फिर उतों उन्होंने क्रीम तो गड्डी करवा के फिर आप आया। चित्रोल की मेरी चंगी चंगी टका वीडियो तो नहीं बनाई। नहीं नहीं वीडियो बनाना चाहते लेकिन मैं रोकता सी। फिर बरात मतलब के असल मैं मजाक से गल कर रहे सारी ਇਹ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਇੱਕ ਕਾਰਮਾ ਪਲੱਸ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਂਡਾ ਸਿਵਿਕ ਇੱਕ ਔਰ ਇੱਕ ਪਿਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤਿੰਨ ਗੱਜਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਕਅਪ 'ਚ ਬਹਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਇਹੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਂਡਾ ਸਿਵਿਕ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘੁਮਾਉਣੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਾ ਚਾਹੇ ਸਰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ 3 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੀ।
मतलब कि एंड टाइम ते आके ना मतलब उन्होंने उन्होंने लालच इन्ना कु सी ना तुम की दसा कि उन्होंने कहा ढोल साड़ी गली च ना वजे चार मन मठियाई फिर कुड़ी दस बारह सूट ठीक है ठीक है वो मेरे घर के डिमांड को उन्हें कहा कोई चैसे कहते छोटे भाई की खुशी है असं की करना पैसे की करना ये घर दे ठीक है फिर बच्चा ने पूछा कि तुम हक मोरदा कहते हो कि हक मैर के बच्चा पहले फोन किया कोई थोड़ी डिमांड्स है ना वो मैंने पहले दस दूँ ताकि मैं अपना अरेंज करके आवा हाँ बिल्कुल ठीक ठीक है मेरे बच्चा ने यह किया उन्हें कहनी साढ़े कोई डिमांड से ठीक है उस टाइम उन्हें कहता जो मेहंदी रात सी उदो उस तो बाद जरा नाल प्लाट है वो कुड़ी दे नाम लाओ दस लाख हक मैर 80,000 रुपया लाग वो दियो ठीक है ते फिर असि राजी नहीं ते असि फिर करना है ते तुसी फिर उस बाद कोई बरादरी दे बड़े नहीं पे विच के बड़े पैन उन्हें कहा कि भाई वो बरादरी ने कहा बरादरी सारी इकट्ठी उन्हें वो गई है मामे मेरे बाकी दर छे मामे वो सारे उन्हें को गए नु कि तुसी इस तरह क्यों क्यों कर रहे जे उन्हें कहा नहीं भाई असि फिर करदे नहीं ओए फिर सारी बरादरी वाले ने कहा उन्होंने फिर चाले के मतलब के इस तरह जाने के ऐसे फिर उन्हें फिर सानू क्या तुसी इधर फसो ना उन्हें सानू फिर फोर्स किया कि तुसी इधर ना फिर उन्हें तानू समझाया सानू समझाया कि वो इस टाइम लालच च है कि तानू कहना का टाइम लग गया ऐसे ही समझन च सारी गल है मैं तो तुसी की दसा कि जिन्ना को कानू डोबिया सी ना मेरे ख्याल ना मैनू अकल आ गई अच्छी गल होगी नहीं अकल बड़ा तले दिन ही आई उस तो उस कुछ दिन बाद आई मतलब उस टाइम तुसी डूब गए सो डिप्रेशन दे चले गए सो डिप्रेशन से उस तो बाद मैं सॉन्ग लिखया अच्छा जी सॉन्ग लिखया उनकी कंपोजिशन की थी मैं फिर सोचा कि अगर मैं इस तरह बैठा रहूं उन्हें समझ आएगी कि भाई असि चढ़दा समझो कोई कोई नु है नहीं मिलया सही मैं उस तो बाद सॉन्ग लिखया सॉन्ग कंपोजिशन कीता उस बाद सॉन्ग बोल दे नीयक तेरी हो बोल दे ते बोल तेरे ना बोल दे दिल ते जब बीत जानी कहीं नहीं हो जानी वे तेरी ये जुदाई में तो सही नहीं हो जानी वे ए दिल दा परोण रहा ना ए दिल दा परोण रहा ना झूठे सब ता बोल दे नीयक तेरी हो बोल दे ते बोल तेरे ना बोल दे अगले महीने इसे डेट नू इसे दिन नू इसे तारीख नू अपने भाई दी शादी करनी उसे डेट नू उसे अगले महीने अगले महीने 1 अगस्त नू मेरी मेहंदी सी पहली
ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਯਕਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਧਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਨ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਸ਼ੋਕ ਲਾਣੇ ਸਨ ਲਾ ਲੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਉਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਮਤਲਬ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਖੂਜ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਡਿੱਗਣ ਹਾਂਜੀ ਖੂਜ ਡਿੱਗਣ ਅਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਆਸ਼ਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਬਸ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰੇ ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਫੋਨ ਤੇ ਫਿਉਂ ਸੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ੁਦੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਗਲੀਏ ਚੱਕਰ ਲਾਣ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਬੀਜ਼ੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਬਾਹਰ ਅੱਛਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਹੁਨਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੌਂਗ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਏ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਊਅਰਸ ਇਨਕਾ ਗਾਣਾ ਆਪਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਣਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਕਾ ਸੌਂਗ ਹੈ ਵਿਊਅਰਸ ਹਮ ਆਵਾਜ਼ ਕੇ ਸਾਥ ਨੁਮਾਨ ਮਲਿਕ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀਜੀਏਗਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼